Let's do question number 20 of exercise 4C, that is quadratic equation. Question number 20 is find the roots of the following equation. Hame roots nikalne and if they exist by applying the quadratic formula ke through. To 20 question hai, 3x square minus 2x plus 2 equals to 0. Chaliye karte hain. Hamara question number 20 hai, 3x square minus 2x plus 2 equals to 0. तो हम सबसे पहले quadratic formula निकालने के लिए बनाने की roots निकालने के लिए तो हम a b c find out करते हैं. तो a क्या हुआ x square का coefficient, b क्या हुआ x का coefficient और c क्या हुआ constant value. अब हम d निकालेंगे. d का formula होता था b square minus 4ac. तो b कितना है हमारा minus 2 का whole square माइनस 4, ए है हमारा 3 और सी है हमारा 2. तो ये कितना आ गया माइनस 2 का स्क्वायर मींस माइनस 2 इनटू माइनस 2. तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 जा 4 हो गया. माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. तो ये कितना आ गया माइनस का 20. अब माइनस 20 क्या है, माइनस 20 इज लेस देन 0 है. जब माइनस 20 0 से कम है तो जब भी d 0 से कम आता है तो उसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ही नहीं करते आंसर. Let's do question number 21. Question number 21 is x plus 1 upon x equals to 3 है और x की value 0 के equal नहीं है. तो चलिए करते हैं. 21 question है हमारा x plus 1 upon x equals to 3. तो कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते थे LCM लेते थे. तो ये नीचे क्या आ गया x आ गया. अब इस x की मल्टीप्लाई इस x में, तो ये आ गया x into x plus 1 equals to 3. अब ये x की मल्टीप्लाई इधर जाके इसमें हो जाएगी तो ये आया x square. x square कैसा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके plus 1 equals to 3x. अब 3x इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो साइन चेंज हो गया equals to 0. ये 3x यहां आया तो साइन चेंज हो गया. अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना है, उससे रूट्स निकालने हैं. तो a क्या हुआ यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या हुआ x का कोएफिशिएंट और c क्या हुई कांस्टेंट वैल्यू. तो d कितना आ गया, d आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता था हमारा. तो b कितना आया माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c भी 1 है. तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का स्क्वायर इज प्लस एंड 3 3 इज 9. तो ये प्लस का 9 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 5 आ गया. तो अब हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं. तो अल्फा कितना आ गया माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a और बीटा क्या होता था, बीटा होता था हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी कितना हुआ, बी था हमारा माइनस 3. तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस 3 प्लस रूट डी, डी हमारा है 5, 5 अपॉन 2a, a है हमारा 1. तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस तो ये 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 हो गया. आगे सॉल्व नहीं हो सकता. अब बीटा निकाल लेते हैं. बीटा क्या हुआ माइनस माइनस 3 माइनस रूट 5, डी 5 था अपॉन 2 इंटू 1. तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2. बस आगे सॉल्व नहीं आ सकता तो दैट्स व्हाई 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आंसर.